सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जिसे बल से नहीं हरा सकती उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकती हैं। उन पर ध्यान देना बंद कीजिए जो आपके पीठ पीछे कहते हैं, इसका सीधा संबंध है आप उनसे बेहतर हैं। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी है, भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। आज का पंचांग 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार, ऐसे स्थिति आ सकती है जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाए। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे भाई बहनों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत भी होगा। किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल और रचनात्मकता को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसलिए रोमांस के लिए कुछ समय निकालें। ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ती है। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। संपत्ति धन या पैसा सब मिलेगा, बस उनका प्रयोग सोच समझ कर करें। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, सही समय, सही सोच और सही तरीके का होना। मांगलिक कार्य संबंधित योजनाएं बनेगी। वैसे दिनचर्या के बावजूद कुछ समय घर परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग और मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। बड़े बुजुर्गों का स्नेह एवं आशीर्वाद भी घर परिवार पर बना रहेगा। बातचीत करके काफी विवादों को सुलझाया जा सकता है, इस बात का एहसास होगा। अभी तक जिन भावनाओं को प्रकट करने से आप खुद को रोक रहे हैं, उन्हें के कारण गलत फहमी हो सकती है। लोगों के साथ सुधारने के लिए स्पष्ट बातचीत करें। सोने चांदी के व्यापार से जुड़े हुए लोगों को रिस्क लेकर काम करना नुकसान का कारण बन सकता है। परिवार और पार्टनर के बीच चल रहे विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश करनी होगी। बीपी और शुगर की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज आप खुद पर विश्वास करेंगे और कामों को बड़े अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। सपने साकार करने का सही समय है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। कारोबारी यात्रा में अनुकूल सौदे हो सकती हैं। आज आप खुद को मोटिवेटेड महसूस कर सकती हैं। जानने की उत्सुकता भी रहेगी। भाग्य भरोसे न रहें, मेहनत पर ध्यान दें। निवेश के प्रस्ताव मिल सकते हैं। पुराने कर्जों से छुटकारा मिलेगा। संतान की शिक्षा संबंधित सफलता से परिवार में उत्सव भरा माहौल भी रहेगा। आज के दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। सामाजिक सकारात्मक सोच आपके भविष्य को संवारने में मदद करेंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज नए मित्र बन सकते हैं। आप घर के सदस्यों की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। आप अपने मनमर्जी के कामों के लिए उत्सुक होंगे। कुछ खास लोगों से आपकी निकटता रहेगी। आपकी आय बढ़ती दिख रही है। योजना बनाकर काम करने से सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते समय पेपर से अच्छी तरह चेक कर लें। सावधानियां, वैर के विवादों से दूर रहें तथा कहीं भी वार्तालाप करते समय संयमित व्यवहार रखें। थोड़ी सी सावधानी आपकी तरक्की में सहायक रहेगी। जल्दबाजी तथा भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें, इससे कोई गलती होने की आशंका है। बात करते हैं लव लाइफ की।
आज के दिन अपने संबंध को नए स्तर पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं तो आज अंतिम रूप से इस पर मोहर लगा सकती हैं, यहाँ तक कि आप परिवार शुरू करने के बारे में भी सोच सकती हैं। जो अकेले हैं वे ऐसे किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिल सकती हैं जो उनके भविष्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना ना भूलें। अपने साथी से मुलाकात की इच्छा से आज आप उसके लिए कुछ खास करेंगे। आपकी रचनात्मकता रोमांस में आपको नए लोक में ले जाएगी, जहां आप दोनों एक दूसरे में खोकर इस दुनिया को भूल जाएंगे। अचानक टूटा संबंध आपको आहत कर सकता है। आज हर चीज आपको प्रभावित करेगी। परिवार और साथी के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएं। नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले यह जान ले कि इसमें सम्मान और सच्चाई है या यह केवल शारीरिक आकर्षण की बुनियाद पर ही खड़ा है। आज के दिन को खास बनाने के लिए आपकी मीठी मीठी बातें ही काफी हैं। बात करते हैं करियर की। अभी आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता और परिजनों की सलाह से आप आज हार को भी जीत में बदल देंगे। डिप्लोमेट रवैया विलासशीलता भरा जीवन और नए अवसर प्रदान करने में सहयोगी हो सकता है। आज मनोरंजन और आराम की भी संभावना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब चीज और गतिविधि आपके जीवन में बड़ी छाप छोड़ती है। अब समय है थोड़ा समय निकालकर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का। अपने कौशल के साथ ही ज्ञान में भी बढ़ोतरी करें। अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके कार्य करें। भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं। कड़ी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसीलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकते हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकते हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभ चिंतकों से परामर्श करें। व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से आय की स्थिति बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाएगी। किसी नए काम की योजना बनाना ठीक नहीं है। नौकरी सेवारत लोग अपने कार्य को बखूबी अंजाम देंगे। बात करते हैं सेहत की। बदलते मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपनी दिनचर्या और खान पान संबंधित गतिविधियों के प्रति लापरवाही करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमाने के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज का उपाय। आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, काले कंबलों का दान करें शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।